दोस्तों इमरान खान की नमाज की वीडियोस वायरल होने के बाद जमायमा खान ने इमरान खान के बेटों कासिम और सलेमान की नमाज पढ़ते और तलावत करते वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दिया, बड़ी खबर जानिए इस वीडियो में। दोस्तों जमायमा खान ने सोशल मीडिया पर ताज़ा पैगाम जारी करते हुए कहा है कि मैंने गैर मजहब होने के बावजूद भी इमरान खान की वजह से इस्लाम कबूल किया। नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से पांच वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। साल 2004 में जब मेरी तलाक हुई तब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मजहब पर कायम थी, जिसके बाद से ही मैंने अपने दोनों बेटों की परवरिश करते हुए दीने हक इस्लाम की तरबियत दी। लेकिन आज भी नून लीगी मुखालफिन मेरे बेटों को ईसाई या गैर मुस्लिम कहते हैं। आज की कासिम और सुलेमान की ये वीडियो जिसमे वो इमरान खान की तरह तिलावत कुरान पाक और नमाज रहे हैं, ये उन मुखालफिन के लिए करारा जवाब है जो मेरे बेटों को ईसाई या गैर मजहब कहते हैं। पर इदारे के कहने पर ये हकूमत चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा कर रही है। जमान पार्क में 40 झूठे दहशत गर्दों का इल्जाम लगाकर मुसलमानों के अजीम लीडर इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार। पाकिस्तानियों मेरे से ज्यादा आपको पता है कि इमरान खान जमान पार्क में किसी भी इस तरह के दहशत गर्दों को सपोर्ट नहीं कर सकते। इमरान खान पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया है और पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी जमात के सरबराह होने के बावजूद भी इस तरह गठिया इल्जामात लगाकर गिरफ्तार और जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।